मेरी एक शादी हुई है, तो मैं अब दूसरी शादी करना चाहता हूँ। तो वाइफ है मेरी जो ज़रा ख़तरनाक है थोड़ी, वो नहीं मानती भी नहीं है और फायर फूर भी कर लेती हैं, तो उनके इलम में है ये बात। लेकिन मामला ये बना हुआ है कि अगर मैं शादी करता हूँ तो हो सकता है वो मुझे शूट भी कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता। इस तरह इस हद तक डेंजरस मामला है। तो मैंने आपसे ये पूछना था, अगर ये है तो सुन्नत दूसरा निकाह करना, चार निकाह कर सकता है बंदा, तो अगर ये सुन्नत पूरी करते हुए इंसान की फायर लग के मौत हो जाती है, इसी वकूए में मैं अपनी वाइफ के हाथों की बात कर रहा हूँ, किसी और के हाथों नहीं, इस निकाह के मामले में, तो वो क्या शहादत के लाएगी या नॉर्मल मौत के लाएगी? इसके बारे में अगर आपने ये एक मैसेज कर दीजिएगा आपकी मेहरबानी। और आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? बड़ी मेहरबानी जी, जज़ाकअल्लाह, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला। कोई भी जो हादसाती मौत है ना, वो शहादत की ही मौत होती है। आप अगर गिर जाते हैं, आपको चोट लग के मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, सारी मौतें जो है शहादत की, ये बड़ी अजीम शहादत की मौत होगी जो आपको होगी। आप बिला झिझक इसमें दाखिल हो जाइए और कोशिश कीजिए, अगर आपको शहादत मिली तो ये एक अजीम शहादत होगी। आप बेफिक्र रहिए, कोशिश